पहले आप कहाँ ले गए थे भैया? पहले हम कोराना वार्ड में। अच्छा, वहाँ पर क्या कह दिया? उन्होंने मना कर दिया, तारा डरा यहाँ कोई नहीं। फिर बात की हमने अपने अधिकारियों को, बताया अधिकारियों ने लाइन पे लिए। फिर उन्हें थोड़ी देर रुको, 15-20 मिनट वहाँ खड़े रहे। उसमें फिर उन्होंने कहीं ट्रामा ले जाइए, फिर रिसीव नहीं किया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर मैं वहीं छोड़ के मैं रिसीव करके जा रहे हो, कोई हमारी सुरक्षा नहीं थी। बता रहे थे कि दवाई वगैरह लिख कर दिए गाड़ी की साफ़ सफाई के लिए, जो मिलेगी कोई चीज़ नहीं मिली। हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की गई, ऐसे अगर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम मरीज नहीं लेंगे कोरोना के। तो यानी लापरवाही देखने को, लापरवाही देखने को। मेरे पास कॉल आई, मैं EMT सनी यादव, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन CSC सुबावाद में। क्या तरह का मरीज था, क्या मरीज था, कहाँ से, क्या सूचना? कोरोना के लक्षण पाए गए, वो चंडीगढ़ से आया है। कहाँ सूचना मिली, कैसे कैसे ले? यूनिवर्सिटी में टीचर है वो। तो क्या सूचना आई थी आपको? हमारे पास सूचना आई थी, कॉल आई 1-0-8 पर कि कोरोना का मरीज है। तो मैंने उससे तुरंत बात की और हॉस्पिटल से मैंने वो हॉस्पिटल में जो किट मिली वो मास्क नहीं मिले, एन जो हमारे लिए होना चाहिए N95 ट्रिपल लेयर वाले मास्क मिले। और यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट आए, डिस्ट्रिक्ट में कोई सुनवाई 10-15 मिनट खड़े रहे। उन्होंने कहा यहाँ नहीं मरीज लेंगे, यहाँ भटकना पड़ा। उन्होंने कहा ट्रामा जा, ट्रामा वालों ने कहीं वहाँ जाइए जो हमारे पास। और कोई हमें ऐसी लुकेट नहीं दी गई है जो गाड़ी की सफाई वफाई हो जाए, जिससे जो लक्षण खत्म हो सके। हमारी लापरवाही देखने को, लापरवाही देखने को मिली। ठीक है, कोरोना से लक्षण पाए गए, किस तरह का मामला है सर? नहीं, ये सुपावाद फिट से मरीज आया है, तो उसे फ्लू के लक्षण हैं, लेकिन वैसे कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसको क्योंकि कुछ शक हो रहा है कि वो क्योंकि घूम के आया है, हो सकता है कि किसी के कॉन्टैक्ट में आया हो, तो उसके शक के आधार पर उसको एडमिट कर लिया गया है। कल उसका सैंपल लेके हम जाँच के लिए भी बताएंगे। सर, 108 एम्बुलेंस कर्मियों का द्वारा ये कहा गया कि हमको ऐसा कोई लिक्विड नहीं दिया गया कोरोना पेशेंट को छोड़ने के बाद, मास्क जिससे हम मास्क वगैरह नहीं उपलब्ध कराए गए, जिससे हम गाड़ियों की सफाई कर सकें और इस तरीके का। तो सर, इस तरह में क्या किया जाए? नहीं देखिए, ऐसा ये उनका आरोप एकदम निराधार है, क्योंकि कल दो तीन दिन पहले भी एक इस तरह का केस हुआ था, तो उसमें मैंने उनको 2 सेट दिए थे जो रहते हैं, और 2 सेट मैंने उनको एक्स्ट्रा दिए थे। और ये क्योंकि और एम्बुलेंस मैंने फिक्स कर रखी हैं कि कौन सी एम्बुलेंस कहाँ रहेगी, ये मेरे पीछे एम्बुलेंस के वो बैठे हुए हैं, ये बता सकती हैं कि मैंने उनको 4 सेट इसीलिए दिए थे कि 2 सेट हर समय उनके पास एक्स्ट्रा थे। अब जैसे ये 2 मरीज आ गए, 4 सेट कंज्यूम हो गए, 2 सेट मैं कल उनको और भिजवा दूंगा। तो ये कहना कि हमें नहीं दिया गया, ये एकदम सरासर गलत आरोप। नहीं सर, ये कह रहे थे कि गाड़ी धोने के लिए लिक्विड मिलता है, वो लिक्विड हमको मुहैया नहीं कराया, जिसकी वजह से हमको आगे पेशेंट लाने में दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी सेवा साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हम सब लोग इसी में थे और वो उनको मुहैया करा दिया गया है, ऐसा कोई। सर, जो मरीज आया था वो आइसोलेशन वार्ड को नहीं खोला गया, 20 मिनट तक मरीज बाहर ही खड़ा रहा, और एम्बुलेंस को जो मरीज था उसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया और वापस फिर आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। नहीं, वो अब ये इसमें मैं इसकी जांच कराऊंगा क्या प्रकरण क्या है, क्योंकि ये ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। और लेकिन मेरे क्योंकि हम लोग उस समय VC में थे, तो वो CMS साहब भी वही थे, और जो इसके नोडल आइसोलेशन के वो भी वही थे, सब लोग VC में थे। और यदि वो ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जांच कराता हूँ, ऐसा कैसे हुआ।